नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से अर्जुन जो कि बरमाला एक बार फिर से प्रीता के गले में डाल देता है। हालांकि प्रीता बोलती है कि अर्जुन तुम्हें पता भी है आज हमारी शादी की सालगिरह है मेरी और ऋषभ की दोस्तों, जिसमें कि अर्जुन बोलता हुआ नजर आता है कि मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन दोस्तों सैलन की भी एंट्री हो चुकी है पृथ्वी के साथ में इस सीरियल में, और एक बार फिर से धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कोई ना कोई तरकीब जरूर निकाल रही हैं इधर सैलन और पृथ्वी। इधर बात की जाए तो दोस्तों इस समय अर्जुन जो कि आपा खो चुका है, और अर्जुन दिखा मुस्ती माला डालने की फिराक में है, क्योंकि वो जानता है कि अपना बदला किस तरीका से पूरा किया जा सकता है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से अर्जुन माला डाल देता है। लेकिन दोस्तों प्रीता फिर से एक तमाचा मारती है अर्जुन के गाल पर। आप लोगों जानते ही हैं कि किस तरीका से प्रीता का दिल कहीं ना कहीं आज अर्जुन के लिए धड़क रहा है, क्योंकि जो फीलिंग अर्जुन के साथ में आ रही है कभी वो फीलिंग करण के साथ में आती थी। लेकिन दोस्तों प्रीता को पता नहीं है कि ये अर्जुन कोई और नहीं बल्कि उसी का करण है। लेकिन अपकमिंग एपिसोड में और भी नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जब एक बार फिर से पृथ्वी को पता चलेगा कि आखिरकार प्रीता किसकी वजह से इतना ज़्यादा आंसू निकल रहे थे, और वो जान पाएगा कि आखिरकार ये अर्जुन कौन है। अर्जुन के बारे में अब ये लोग जासूसी करने स्टार्ट कर देंगे कि आखिरकार इस अर्जुन का इस घर के से इतना बड़ा नाता कैसे रहा है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन ने हमेशा से ही अपनी कोई ना कोई तरकीब निकाल के इस घर के बारे में हर रिसर्च जारी रखी है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नया खुलासा और एक नया ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग देख पाएंगे कि अर्जुन ये भी बोलता हुआ नजर आने वाला है कि प्रीता तुम चाहे लाख कोशिश कर लो मुझसे भागने की, लेकिन आखिरकार तुम मेरे से ही मोहब्बत और मेरे से ही प्यार करती हो। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।